हैवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल सो गाइज जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर मैं आप लोगों के लिए अमेजिंग इंटर्नशिप्स लेकर आती हूँ सो so फिर से आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में तीन अमेजिंग इंटर्नशिप शेयर करने वाली हूँ और ये जो इंटर्नशिप है वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी के साथ में होने वाली है एंड कंपनी का नाम है गूगल सो गूगल एक ऐसी कंपनी है जो कि मल्टी नेशनल तो है ही साथ में वेल नोन ब्रांड है और शायद ही कोई ऐसा होगा पूरे वर्ल्ड में जो कि इस कंपनी को नहीं जानता होगा एंड बहुत अच्छे बेनिफिट्स जो है ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है सो so, पर जो हायरिंग हो रही है यहाँ पर जो अवेलेबल अवेलेबल है 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 वो इंटर्नशिप की एंड ये सारी ऐसी है जिसके लिए आपको जनवरी में अप्लाई करना है सो so, मैं वन बाय वन सारी इंटर्नशिप के बारे में आपको बताऊंगी सो मेक श्योर वीडियो को कंप्लीट देखना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो so, दैट जैसे ही कोई अपडेट आए वो डायरेक्टली आपको मिल जाए सो so, अभी मैं आपको लेकर चल रही हूँ मेरे सिस्टम की स्क्रीन पर और प्रॉपर सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ में वहाँ पर शेयर करने वाली हूँ सो लेट्स के स्टार्टेड सो पहला जो प्रोग्राम है यहाँ पर वो है सॉफ्टवेयर स्टूडेंट ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम सो so, uh, ये जो इंटर्नशिप है 2024 में आपकी स्टार्ट होगी एंड ये जो इंटर्नशिप है ये आपकी समर इंटर्नशिप है जो कि मई 2024 में स्टार्ट होगी एंड ये 10 टू 12 वीक्स की जो इंटर्नशिप है रहने वाली सो so, ड्यूरेशन जो है इसकी वो 10 टू 12 वीक्स है यहाँ पे जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है जनवरी नाइनटीन ट्वेंटी सो दैट मीन्स उन्नीस जनवरी से पहले पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना है मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं सो करेंटली इफ यू आर इनरोल्ड इन बैचलर प्रोग्राम मेजरिंग और इंटेंडिंग टू मेजर इन कंप्यूटर साइंस

Are currently enrolled in bachelor's मास्टर्स और पीएचडी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस लिंग्विस्टिक स्टैटिस्टिक्स बायो स्टैटेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑपरेशंस रिसर्च इकोनॉमिक्स और नेचुरल साइंसेज सो इनमें से किसी भी प्रोग्राम में अगर आप एनरोल्ड है बैचलर डिग्री में मास्टर डिग्री में या फिर पी में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं यू शुड हैव एक्सपीरियंस इन वन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस एग्जाम्पल नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रल नेटवर्क कंप्यूटर विजन मशीन लर्निंग डीप लर्निंग एल्गोरिदम फाउंडेशन डेटा साइंस or machine intelligence or artificial intelligence you should know about any of these and preferred qualification may if you will talk about so, so if you are currently enrolled with full-time degree program or returning to the program in that case you will be preferred experience as a researcher if you have worked ever as a researcher maybe you have done internship maybe you have worked somewhere as a full-time in that case also you will be preferred experience contributing to the research community effort including publishing papers on co conferences on generals will also be a preference experience with one or more general purpose programming language

लाइक सी ई सी प्लस प्लस जावा यह सब अगर आप जानते हैं तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पर प्रेफ्रेंस में होगी एबिलिटी टू डिजाइन एंड एग्जीक्यूट रिसर्च एजेंडाज यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश फ्लूएंटली सो दिस इज द सेकेंड इंटर्नशिप द नेक्स्ट इंटर्नशिप इज फॉर द डेटा सेंटर इंजीनियरिंग इंटर्न इट इज़ अ विंटर प्रोग्राम इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड यू शुड कंप्लीट दिस एप्लीकेशन बिफोर जनवरी फिफ्थ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सो दैट मीन्स पाँच जनवरी से पहले पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना है इसकी ड्यूरेशन रहेगी

यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश फ्लूंटली सो बेसिकली तीनों इंटर्नशिप में इंग्लिश आपकी मैटर करती है प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन ऑल्सो दे है मैंशन दैट फेमिलरिटी विथ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क एंड लाइनेक्स सिस्टम Ability to understand, develop data center architecture, product system design, operation maintenance, and procedure. So these are the preferred qualification they are asking for. So guys, these are the three internships available with Google right now, where the candidates who are staying in India can apply. So now let's talk about the application process. So, so I am giving you one link in the description box. From that one link, you can access all these three internships. So once you will see the internship details here, you will also see apply button so you need to click on apply button and you can apply for this position after completion of these internships you will get a certificate from the google which is very very important and this will be probably a paid internship but i am not committing anything here because they have not mentioned anything that what stipend they will be paying but it will be 99% a paid internship also guys if you have any question any doubt any query you can ask me in the comment box i'll be really happy to help you out i'll see you soon with a new informative video till then take care and keep supporting me